हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया आज मोदी जी का बर्थडे है। वाह यार, मोदी जी सितंबर, कौन सी डेट है, 17 सितंबर को पैदा हुए हैं। अब क्यों बोल रही हो, हाँ मैं नहीं बताऊंगी, पर कोई रीजन है। तो अभी हम देखेंगे आदिवासी परिवार के साथ मोदी जी ने बनाया अपना बर्थडे। वाह यार, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आदिवासी परिवार के घर में मोदी जी कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, खीर। आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई। तो मैं जन्मदिन पर हमेशा माँ के आशीर्वाद लेने जाता था। माँ मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना, उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है। प्रोटोकॉल है, पता चला कि मोदी साहब है। इंग्लिश आती नहीं है, बोल नहीं है, दिखाने तस्वीर लगाना प्रोटोकॉल है। नेशनलिज्म उन्होंने प्रमोट किया, तारीफ करनी चाहिए। अपनी कौम को उन्होंने कौमियत सिखाई है, तारीफ करनी चाहिए। इंडिया के बच्चे तो चांद पे जाने की बातें करते हैं और हमारे बच्चे बेचारे जहन्नुम में भेजेंगे ये लोग। वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। 1947 में ही दोनों मुल्क कहते पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ। आज वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जहाँ भी जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज हमें बड़ी देखने को मिलती है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं। 40,000 मदरसे पाकिस्तान में बन चुके हैं, आज भी आपकी तरक्की को रोकने वाले वो 40,000 मदरसे हैं। इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है। नमस्कार दोस्तों, कोई तो बंदा बोल ही बोला, शुक्र क्योंकि यूएसए में जो बैठा है और उसको इंडिया से फायदा है ना, जो भी है। और उड़ीसा के आदिवासी परिवार के साथ बर्थडे बनाया है दोस्तों। ये है मोदी जी की खासियत, जहां वे अपने बर्थडे को भी किसी गरीब परिवार और गरीब लोगों को प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ मोदी जी इस बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर के कह रहे थे कि जब वे उनके घर गए थे तब वो आदिवासी महिला ने खीर खिला करके मोदी जी का मुंह मीठा किया। और इसके साथ साथ मोदी जी ने अपना एक पर्सनल इंसिडेंट हम सबके सामने शेयर किया, जहां वे कह रहे थे कि जब उनकी माँ जिंदा रहती थी तब मोदी जी हर बर्थडे के टाइम पे अपने माँ के पास जाते थे और उनकी माँ गुड़ खिला करके मोदी जी का मुंह मीठा करती थी। और ये इंसिडेंट उन्हें माँ की याद दिलाई है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल मोमेंट था जो मोदी जी ने हम सबके साथ शेयर किया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त मोदी जी के बर्थडे को लेकर के मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को मोदी जी मिलना एक वरदान है और मोदी जी ने जिस तरह से भारत के लिए काम किया है अब तक किसी भी लीडर ने नहीं किया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना, उनकी तस्वीर लगी हुई थी और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे। और पता चला है कि मोदी साहब हैं। ऐसे है नहीं, अभी फ्रांस के विजिट के बाद डायरेक्ट वो अरब अमारात ही गए और वहाँ पे वो फोटो लगी होगी। लेकिन आबिद भाई, रिस्पेक्ट वाली बात है, मेरी बात सुनिए, रिस्पेक्ट वाली बात तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सारे लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे कहते थे तो इंडिया की तारीफें करता है मोदी साहब। नहीं, लोग ये कहते हैं पैसे के लिए बहुत कुछ करता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते हैं, उसके ऊपर पैसे मिल रहा है, फेम मिल रहा है भाई। देखिए, यूएई ये मुसलमान है और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान है, हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए, मुसलमान एशिया में आए और हम लोगों को मुसलमान किया। बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान है, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू है, मुसलमान नहीं होते बेटे, तो कहते हैं कि टेररिस्ट है, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी है, दहशतगर्द है, हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। लेकिन उन्होंने
अपने बुर्ज खलीफा जो उनके सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग दुनिया की सबसे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम हुए। भाई अच्छी बात है, मैं भी ये कहता हूँ कि बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात है, ऑनर वाली बात है, लेकिन ये चीजें शायद इमरान खान साहब के लिए भी हो चुकी है। ये खबर के मुताबिक इमरान खान साहब की फोटो भी बुर्ज खलीफा पे लगी थी, इमरान खान की भी लगी है, सलमान खान साहब की लगी, लेकिन आप समझ नहीं रहे बात को। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, सलमान है भारत वाले, जी जी मोदी साहब हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो वो मुसलमान है, मुसलमान क्यों नहीं रहे, इतने बड़े प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इतनी बड़ी तस्वीरें उनकी लगा रहे हैं, हम तो गद्दार है ना, मोदी साहब की बात कर ले तो हम तो गद्दार हो जाते हैं, उन्हें कौन गद्दार कहेगा, उन्हें कौन गलत कहेगा, उन्हें कौन बुरा कहेगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड, अमन के अवार्ड, पीस के अवार्ड, तरक्की के अवार्ड मोदी साहब को दिए, यूएई ने भी दिया, सऊदी अरेबिया ने भी दिया, और जितने भी दिया वो भी इस्लामिक कंट्री ने दिया, ये तो हो गए अवार्ड, ठीक है। अब इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या होते हैं, एक जिस इंसान ने काम किए हो ना लोगों के, ठीक है, गरीब लोगों के काम किए, उनके साथ चले हो। अब देखिए आप अमेरिका जाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं, कहीं आपके रेड कारपेट हैं उसके ऊपर वेलकम किया जा रहा है, किसी लगाते हैं वो नहीं है, वजीर आजम खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए आपसे जपिए डाल रहे हैं, फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं, समेटते जा रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जहां भी जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज हमें बड़ी देखने को मिलती है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, ये चीजें देखने वाली है। इंडिया के बच्चे तो चांद पे जाने की बात करते हैं, हमारे बच्चे बेचारे मैटर में भेजेंगे, ये लोग वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। कितना फर्क देखते हैं, 1947 में ही दोनों मुल्क कहते हैं पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ, आज वो कहा वो आजाद हुआ ये बर्बाद हुआ है, वो आजाद हुआ है ये बर्बाद हुआ है, कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेगा, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे, हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। इंडिया देखा ना तुम्हें, ये तो सोच नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा। हमारी हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। इस वक्त के दौर में पाकिस्तान के कंपैरिजन में हम सब बहुत आगे निकल गए, आईटी के दौर में हो, बैंकिंग के दौर में हो, फाइनेंसिंग के उसके अंदर, और रिसेंटली दुकानों वाला एरिया लग रहा जिसने थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर वर्ल्ड बैंकर के टाइटल जीते, वो इंडिया के ही बैंकर हैं रिसेंटली न्यूज की बात, ठीक है। हाँ, तो उससे ये आइडिया होता है कि उनकी फाइनेंसिंग, उनकी जो फाइनेंशियल में ये जो टर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, ये बैंकर्स इंटरेस्ट रेट्स हुकूमत ये चीज़ मेंटेन करती है, इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए, पॉवर्टी को, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए उनका। अगर ये मुझे आइडिया नहीं इस बात के बारे में कि उन्होंने बात की है नहीं की, तो मैं कुछ कहूँगा इसके बारे में, लेकिन सर ये पक्की खबर है हमारे चैनल पे, ऐसी अफवाह नहीं पड़ती कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि इंडिया वाली एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज पाकिस्तान में लेके, अगर हम अपने पॉलिसीज की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, 19वीं सदी का सिलेबस है जो अपडेट ही नहीं हो रहा, ना उसमें आईटी है, ना उसमें एआई है, ना उसके अंदर टेक्नोलॉजी से कोई रिलेटेड चीज है। एक कौवा प्यासा था, 10 साल बाद मैंने किताब खोली, कौवा आज भी प्यासा है। क्या पागल लोग कहती है, मैंने जो पढ़ी थी किताब, अब जाके मैंने फिर से वही किताब खोली, तब भी वो एक कौवा प्यासा था। पागल लोग हैं। तो स्टोरी में कौवा प्यासा था, उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी तो ये समझती नहीं है। ये कौवा प्यासा में ये था कि उसे पत्थर डाल के पानी का लेवल ऊपर करना exactly. था पीने के लिए, वो दिमाग लगाया था, कौवे का तो दिमाग इनके दिमाग से ज्यादा है। मगर पॉइंट्स का वही था, कौवा प्यासा था एक जमाने में था, आज भी वही किताब में वही पानी के लिए पिया उसको। ये उसने अच्छा जो है कॉमेडी की थी। बड़े पागल लोग यहाँ पे तो अपने अपने आपको सो कॉल इंटेलिजेंट समझ के माइक लेके क्वेश्चंस पूछते हैं, दिमाग वही का वही। ये बता रही थी एग्जैजरेट करते हैं ना कि उनका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल इंप्रूव नहीं किया है, पता है मुझे, पर उनका कौवा प्यासा है। मगर ये अच्छी बात है कि मोदी जी ने अच्छा सेलिब्रेट किया अपने बर्थडे, बड़ा मजेदार सब बढ़िया किया, दैट्स वेरी नाइस। मोदी जी इज ऑलवेज सेटिंग एन एग्जांपल, दुनिया को दिखा रहे हैं कि कैसे अपने आजकल के जो जनरेशन है बड़ी पार्टियां शाटियां वेस्टर्न टाइप का काम करने की कोशिश करती हैं,
उसकी जगह उन्होंने दिखाया कि अपने हिंदुस्तान अपने तरीके से करो, खीर खाओ, आजकल वो हो गया ना भैया केक केक काटो, वेस्टर्नाइजेशन तो पूरी हुई है, पार्टियां करो, इतने वो बन गई हैं वो पार्टी सेलिब्रेशन हॉल्स बन गए हैं वहां पे, करो छोटे छोटे बच्चों के ऐसे पार्टी सेलिब्रेट हो रही होती है, सेल्फी यहाँ पॉइंट बने होते हैं। मैंने इस बारी देखा था इंडिया में जाकर, कहीं गए थे हम तो वहां पे, अच्छा भूली गई यार व्लॉग्स डालूंगी वो सारे इंडिया वाले, उसमें भी शायद आएगा क्योंकि क्या पार्टी सेलिब्रेशन है, छोटे छोटे बच्चों के लिए इतना कुछ हो रहा है, लेडीज ऐसे वेस्टर्न कपड़े पहन के टिप टॉप होकर, वो वेस्टर्न कपड़े पहन के भैया बच्चे की सेलिब्रेशन कर रही है, सेल्फीज खरीद कर रही है, रील्स बना रही है, उनको दिखा रहे हैं मोदी जी कि ये अपना ट्रेडिशन है कि भैया बड़ों से जो है उनसे आशीर्वाद लो, खीर खाओ, जो अपना ट्रेडिशन है उस टाइप से अपने अपना बर्थडे बनाओ, कोई दान पुण्य करो यार, इंस्टेड ऑफ ये बेकार के चोचले करने की जगह, ब्यूटीफुल यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।